हाँ तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए कुछ समय पहले ही रिटेंशन नियमों की घोषणा की गई। इन नियमों के तहत केवल 6 खिलाड़ियों को रिटेंशन किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 5 कैप और अधिकतम 2 अनकैप प्लेयर ही हो सकते हैं। इसी वजह से मेगा ऑक्शन में फ्रेंचाइजीज अपने कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है। इस मामले में सबकी नज़र पंजाब किंग्स पर रहेगी, जिसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और टीम ने अपना हेड कोच भी बदल लिया है। इस वजह से कई खिलाड़ियों की पंजाब किंग्स छुट्टी कर सकती है। ऐसे में पंजाब किंग्स से रिलीज़ किए जाने वाले खिलाड़ियों के ऊपर सभी टीमों की नज़रें टिकाई हुई है। इसमें एक नाम चेन्नई सुपर किंग्स का भी आता है। ऐसे में इस वीडियो में हम 3 उन खिलाड़ियों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें पंजाब किंग रिलीज़ कर सकती है, तो फिर 5 बार के चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स उन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है। ऐसे में 3 नंबर पर नाम आता है जितेश शर्मा का। पंजाब किंग्स के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को रिलीज़ किया जा सकता है और उनके ऊपर चेन्नई सुपर किंग दावा लगा सकती है। जितेश शर्मा अभी कम उम्र के और उन्हें कई मौक़ों पर फिनिशर के तौर पर अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया है। ऐसे में MS धोनी के विकल्प के रूप में जितेश शर्मा को CSK अपने साथ जोड़ सकती है, क्योंकि धोनी शायद IPL 2025 में ही आखिरी बार अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। नंबर 2 पे नाम आता है सैम करन का। चेन्नई सुपर किंग के साथ सैम करन का पुराना नाता है और वह इस टीम के लिए कई सीजन खेल चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से वह पंजाब किंग के फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े हुए लेकिन अपने करिश्माई प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। ऐसे में करण को रिलीज़ किया जा सकता है और CSK उन्हें टारगेट कर सकती है। चेन्नई की टीम के लिए सैम करण ने बल्ले से और गेंद से पहले भी अच्छा किया हुआ है। नंबर 1 पर नाम आता है लियाम लिविंगस्टोन का। इंग्लैंड के स्पिनर ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को चेन्नई सुपर किंग अपनी टीम में शामिल करने के लिए देख सकती है। लियाम लिविंगस्टोन ने पंजाब किंग्स के लिए उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया हुआ है और इसी वजह से वो उन्हें रिलीज किया जा सकता है। हालांकि ये खिलाड़ी CSK के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। चेन्नई की पिचेस पर लिविंगस्टन की फिरकी और तूफानी बल्लेबाजी दोनों ही काफ़ी अहम हो सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सैम करन, जितेश शर्मा और लियाम लिविंगस्टन में से CSK किस को अपनी टीम में शामिल कर सकती है, यह आप मुझे कमेंट में बताइए।